हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, न्यू आईटी प्लेटफॉर्म टू ट्रैक मेडिसिन्स एंड टू एंड। तो एंड टू एंड मेडिसिन को ट्रैक करने के लिए नया आईटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, देखते हैं क्या है। द इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म, तो पहली बात तो इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म है दैट अपेक्स ड्रग रेगुलेटर। तो ये ड्रग रेगुलेटर का काम करेगा। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन वर्किंग टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन ऑल इट्स प्रोसेस एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन डोम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, ये बात हो रही है। मार्केट्स विल बी एबल टू ट्रैक प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल टू सप्लाई चेन एंड फाइनल पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन, कैटेगराइज बाय क्वांटिटी, एरिया एंड सीजन। तो कौन से सीजन में कौन सा ड्रग यूज हो रहा है, कौन सा उसमें आपका एरिया में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे ठंड में आप देखोगे ज़्यादा लोग वायरल होता है, तो लोग वो यूज़ कर रहे हैं। मौसम चेंज होने पे लोगों को वायरल होता है, तो उस समय कौन सा ड्रग यूज़ हो रहा है, कौन से एरिया में ज़्यादा हो रहा है और कौन से एरिया में कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये चीज़ मॉनिटर करेगा। तो उस समय पता रहे कि डिमांड कहाँ पर ड्रग्स की ज़्यादा है और कहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, सीरियस नीड कहाँ पर है, कहाँ पर थोड़ी बहुत भी नीड है तो ठीक है, उसको कैटर किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स विल ऑल्सो नीड टू अपलोड देयर इनवॉइसेस ऑन अ पोर्टल फॉर दिस एंड टू एंड ट्रैकिंग टू बी बिकम पॉसिबल। तो सबको अपना, जो भी रिटेलर है डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको अपना जो बिल होता है, इनवॉइस यानी कि बिल, उसके ऊपर सारी डिटेल्स दिए रहते हैं, क्वान्टिटी, प्राइस, डेट, डे, लोकेशन, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो हो पाएगा मैपिंग, तभी तो ये लोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द रिक्वायरमेंट्स, द पोर्टल विल क्रिएट प्रोविजन टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स रूटीनली, सिमिलर टू आईटीआर रिटर्न एंड जीएसटी फाइलिंग। तो इसमें यही टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो आईटीआर रिटर्न में होती है, इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी फाइलिंग में हम लोग करते हैं। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर टू डेवलप अ सिस्टम। Once operational, all other portals used by the drug regulator will be discontinued. The portal will become a single window for all drug regulator activities. The idea to create a unified portal was first proposed during a Chintan Shivir brainstorming session with stakeholders earlier this year. Now, a team has been formed that is dedicated to working on developing the portal to get it up and running. A senior official in the know said the brainstorming session in February brought all the stakeholders together to discuss ways to improve the regulatory frameworks. After the session of incidents came into light where Indian manufactured syrups were found to be contaminated and were even linked to death of children in Gambia and उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है, ये सारी चीज़ें हो इसलिए रही है, जब यहाँ पे आप देखिए ऐसा इशू आया था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर जो सिरप बनाए थे उसको गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में खा के पी के बच्चे मरे हैं। तो ये उन लोगों को उसको ट्रैक करना है कि ऐसा क्या हो गया, क्या गलत हो रहा है। तो ये पूरा रेगुलेशन फ्रेमवर्क को, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा पोर्टल बनाया जा रहा है। At the same meeting, it was decided that the global standard for goods manufacturing practices will be made mandatory for all Indian companies. The government has already asked around 8,000 smaller companies that do not comply with it to do so. Another important function of the portal will be to share information about spurious and not of standard quality medicine with state regulators to tackle the problem of the movement of the drugs across state boundaries. Investigations and prosecutions launches will also be done through the portal in such cases. It will also help track all type of court cases for persecution and conviction. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सजा भी सुनाई जाएगी इसके through. The platform will bring online activities that are still done physically, like periodic safety updates, show cause notice, adverse event reporting and post approval changes. तो जो आज फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ये सारी, उनको भी ऑनलाइन ले आया जाएगा। द पोर्टल विल हेल्प इम्प्रूव इंस्पेक्शन बाय एश्योरिंग इंस्पेक्टर्स एट रैंडम टू वेरियस साइट्स इन अ मास्क मैनर,
randomized allocation of work such as processing application for license and approvals and assigning QR codes to sample collected and port to allow verification at every stage of the process. It will also automatically generate official performance report. तो आप देखिए यहाँ पे masked way में यहाँ पे आपके officer जाके read मार सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, check कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है. अब sample जैसे collect हो रहा है तो हम लोग sample लेते हैं ए बी सी अलग अलग जगह से ले रहे हैं तो उनके सैंपल्स पे लिखा है ए बी सी, सबके सैंपल पे सबका नाम लिखा है. कोई इसमें से इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा तो वो अपना चीज गलत भी होगा तो उसको अप्रूव करवाएगा. इस केस में क्या होगा कि क्यूआर कोड असाइन किया जाएगा. तो क्यूआर कोड असाइन करने से ये होगा किसी को पता नहीं चलेगा ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, सी का है. तो वो तो भाई फाइनल जब सैंपलिंग होगी उसका डेटा आएगा तो वो बताया जाएगा और उसके बाद मैप किया जाएगा. अच्छा ये खराब है ये वाला एक है, तो वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो. अब देखो इंडिया में यही है ना कि लॉ तो अच्छा आ जाता है पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं लूप होल लोग निकाल ही लेते हैं. तो इसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल तो निकल ही जाएगा. पर हाँ ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ऐसा, मतलब अच्छा लग रहा है सुन करके देख करके कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी. सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.